तो अगर आप ईगल नेटवर्क में माइनिंग कर रहे हैं तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे जो आपका एप्लीकेशन है इसमें नया अपडेट आ चुका है, एंड नया अपडेट कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नया अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 23 जुलाई को ही यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसमें दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी, इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस एंड न्यू अपडेट्स। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इनेबल कर दी गई हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये एप्लीकेशन पहले से ही हम अपडेट कर चुके हैं, यहाँ पे फटाफट से हम ओपन करेंगे। और कुछ यहाँ पे ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन माइनिंग नहीं करते हैं, तो ये आपका ही लॉस होता है। कोई भी नेटवर्क अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क ऐसे ही लेकर के आता हूं जो 24 घंटे में आप सभी को माइनिंग करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपका ओपन हो चुका है, घंटे में आपको एक बार क्लिक करना पड़ता है। तो एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इनके द्वारा एक न्यू व्हाइट पेपर यानी B2 व्हाइट पेपर यहाँ पे रिलीज किया गया है, उस पर ज्यादा फोकस देखेंगे और किस तरीके के उसमें यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो इनेबल किए गए हैं यानी वहाँ पे दिखाए गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। सीधे चलते हैं टॉपिक पे। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप इनका व्हाइट पेपर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईगन कॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस। अब कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पे गलत बता रहे हैं, जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है वो जल्द ही यहाँ पे $1-2 के समथिंग पहुँच जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये जो कॉइन है यानी ईगन कॉइन है वो यहाँ पे उसी की ब्लॉकचेन आ रही है, लेकिन आप लोग जो माइन कर रहे हैं वो यहाँ पे माइन कर रहे हैं ईगन INU और कैटेपुल प्रोटोकॉल। कैटेपुल प्रोटोकॉल ईगन INU ईगन कॉइन की जो ब्लॉकचेन है उस पे आएंगे, और ईगन कॉइन जो है उसकी हम सभी पहले से ही माइनिंग कर रहे हैं। जो अभी लिख करके आ रहा है वो ईगन INU में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप सभी के सामने रोड मैप दिखाना चाहेंगे। और इस कॉइन की अगर आप सप्लाई की बात करते हैं तो 271 मिलियन की समथिंग है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतनी ही यहाँ पे सप्लाई बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि हम समय समय पर बर्न भी करते रहेंगे, और अगर आप देखेंगे तो कॉइन की बर्निंग काफी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो रोड मैप है वो आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पे जो अभी तक का इनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है तो इनको हम पहले ही यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे यहाँ पे थर्ड क्वार्टर जो है इसके बारे में आपको बताएंगे, और फोर्थ क्वार्टर जो है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि हम सभी यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड क्वार्टर की बात करते हैं तो सेकेंड क्वार्टर 2023 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट क्वार्टर भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वार्टर में हम सभी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं और थर्ड क्वार्टर यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक हैं वो आप देखिए। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे इंक्लूज मेननेट को लेकर के है, ईगन ब्राउजर, ईगन लिस्टिंग। अब देखिए अभी तक अगर आपने ईगन कॉइन की बात की है तो आपको कॉइन मार्केट कैप पे दिख जाता है, लेकिन जैसे आपका OKX है, बाइनेंस है, या आपके जो डिफरेंट है यहाँ पे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, Tier 1 के जो एक्सचेंजेस हैं उन पे ये देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पे अब इनकी खुद की ब्लॉकचेन आ गई है, क्योंकि पहले ये जो कॉइन था वो कहाँ पे था यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे था, अब इनकी खुद की ब्लॉकचेन आ रही है। तो ये जो एक्सचेंज हैं बड़े बड़े उन पे देखने को मिलेगा, और इसकी जो सप्लाई है जैसा कि मैंने बताया है काफ़ी बड़ी संख्या में ये कॉइन बर्न भी कर दिया गया है। तो अब आते हैं विड्रोवल के रिगार्डिंग। तो देखिए ये जो इंक्लूज मेन नेट है यहाँ पे जल्दी कंप्लीट एक तरीके से हो जाएगा और आपका जो विड्रोवल है वो इनेबल किया जाएगा। विड्रोवल की मैंने पहले से ही आप सभी के लिए डेट बताई थी आपको कि लगभग ये सितंबर और अगस्त के समथिंग यानी अगस्त के बाद में ही ये विड्रोवल होगा। तो सितंबर के समथिंग ये लगभग यहाँ पे विड्रोवल शुरू कर देंगे, ये इनकी तरफ से बताया गया था। और पिछली साल की अगर आप बात करते हैं तो इनका जो कम्प्लीटली यहाँ पे पिछला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था वो भी सितंबर में ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें क्या है कि ईगन पे लाया जाएगा, ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट गेट वे, NFT की बात करते हैं तो पहले से ही ये एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ईगन एक्सचेंज सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, लेकिन सर्विसेज जो भी होंगी वो यहाँ पे देखनी रहेंगी बाद में, क्योंकि स्टेकिंग की भी सर्विस इसमें ऑलरेडी चल रही है। और आप सभी जो कॉइन माइन कर रहे हैं जब ये विड्रोवल होगा तो इसकी भी आप यहाँ पे स्टेकिंग वगैरह कर पाएंगे। और अभी अगर आप यूजर बेस की बात करते हैं तो काफी कम यूजर्स इसमें माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यू प्रोजेक्ट है, ओल्ड प्रोजेक्ट जो था उसकी ऑलरेडी माइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी और वो मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे अब जो आने वाले हैं वो ईगन मॉल आने वाला है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ईगन मॉल, उसके बाद ईगन बर्क है, ये सारी कुछ चीजें आने वाली हैं। इन्हीं के तौर पर यानी जैसे कि आप देखेंगे पाई यहां पे क्या कर रहा है यानी यूज केस बना रहा है, तो ये भी अपने कॉइन के यहां पे यूज केस बना रहे हैं। डिफरेंट जैसे-जैसे यूज केस बनेंगे वैसे-वैसे यहां पे आप देखेंगे इसके प्राइस में भी आपको डिफरेंट इंक्रीजमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। आई हो गया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, और यहां पे आप देख सकते हैं ईगन पे हो गया।
पिछले कॉइन का जो इनका टोकनोमिक्स था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टोकनोमिक्स था 271 मिलियन टोटल यहाँ पे थी सप्लाई, जिसमें से आप देखेंगे काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे बर्न भी किया गया था 20% स्टेकिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे स्टेकिंग रिवार्ड था मार्केटिंग के लिए 2%, एयरड्रॉप के लिए यहाँ पे लगभग 1%, एडवाइजर के लिए यहाँ पे 1% और टीम के लिए आप देखेंगे 10%, एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए 5%। इस तरीके से यहाँ पे कॉइन रखा गया था और 40% इन्वेस्टर के लिए रखा गया था। और माइनिंग की बात करते हैं तो काफी बड़ी संख्या में यूजर्स ने माइनिंग की थी। अब आ जाते हैं मेन नेट के रिगार्डिंग, तो जो मैंने आपको बताया है मेन नेट की तैयारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईगोन कॉइन नेम है, यहाँ पे सिंबल ईजीसी है, यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई इतनी है, डेसिमल 18 है और यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क नेम ईगोन चैन है। लेकिन अभी इसका एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया गया है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड वगैरह अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन ईजीसी 20 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसेंसस ईपॉस है, ये सारी कुछ चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये धीरे धीरे आप देखेंगे तो इनको कंप्लीट किया जा रहा है, वही यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। आप सभी ने अभी तक एप्लीकेशन की प्रोफाइल वेरीफाई नहीं की है तो प्रोफाइल वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मोर पे आना है। मोर पे आने के बाद ये आपको फेसबुक का मिलता है, ये आपको यहाँ पे गूगल, ये आपको गूगल का यानी एक तरीके से ईमेल का मिलता है, ये आपको मोबाइल नंबर का मिलता है। तो अगर मोबाइल नंबर का नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो आपका फेसबुक वाला है और ये ईमेल वाला है, ये तो सिंपल प्रोसेस है, इनको तो आप जब चाहें तब कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोनों आराम से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से ये जो यहाँ पे सिंबल शो हो रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है, ईमेल डाल देनी है, ईमेल डालने के बाद सेंड कर देना है। आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाता है और 29 मिनट तक वो ओटीपी आपका वैलिड रहता है, वो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे डाल देंगे, आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन कर लेना है, क्योंकि अब आप देखेंगे तो केवाईसी का ऑप्शन जल्द ही यहाँ पे ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ विड्रोवल का मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ किस तरीके से विड्रोवल होगा। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 महीने का समय है और इसी बीच आप देखेंगे विड्रोवल यहाँ पे इनेबल होने वाला है। और जो यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जो यहाँ पे मेन कॉइन लिस्ट होगा उसके बाद ही जो यहाँ पे और इनके 2 कॉइन है जो हम लोग यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, ईगोन आईएनयू की और साथ ही साथ जो आपका दूसरा है केटिपल प्रोटोकॉल, तो दोनों का जो यहाँ पे लिस्टिंग है वो हम लोगों को बाद में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन कॉइन पहले लिस्ट होगा, क्योंकि इनकी जो ब्लॉक चेन है वो ईगोन ब्लॉक चेन है। ठीक है, अब आप सभी के कोई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, किसी अदर टॉपिक पर फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।